हर घर की एक ही प्रॉब्लम कि रोज रोज नाश्ते में क्या बनाया जाए या फिर बच्चों के टिफिन में ऐसा क्या दिया जाए जो हेल्थी टेस्टी तो हो ही और साथ में जल्दी भी बन जाए। तो आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची कम सामान कम मेहनत में झटपट बनने वाला सुपर टेस्टी स्नैक्स, जिसे बच्चों का टिफिन हो या गेट टुगेदर पार्टी या फिर वो शाम की छोटी छोटी भूख, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात कि इसे आप पहले भी बनाकर रख सकते हैं और जब मन हो फ्राई करें और सर्व करें। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल बिंदियास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी का ये क्रिस्पी क्रंची सुपर टेस्टी एकदम नया नाश्ता। तो उसके लिए लेंगे हम एक बोल और इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, या पतली या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए ऐसा कप लिया है, अगर आपके पास ऐसा कप ना हो तो सिंपल घर की कटोरी से आधी कटोरी सूजी ले ले। और अब इसमें डालेंगे 1/4 कप दही, या ये मान लीजिए जो घर में खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो 4 बड़े चम्मच दही लिए। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ अगर आपको दही की मात्रा कम लगे तो 1 बड़ा चम्मच और डाल दे, पर ध्यान रहे कि हमें सूजी का ना कोई पेस्ट बनाना है ना कोई घोल बनाना है, इसलिए दही बस इतना ही डालें कि सूजी अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे ढक्कन लगा करके 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। और यहाँ हम लेंगे 2 उबले हुए आलू, जिसे मैंने इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसे बारीक मेश भी कर सकते हैं। 5 मिनट हो गए और ये देखिए, हमारी सूजी ने दही अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और ये फूल भी गई है, परफेक्ट। अब जो हमने आलू ग्रेट किए थे ना, वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। अक्सर बच्चे सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इस स्टेज पर आप यहाँ कोई भी सब्जी बारीक चॉप करके डाल दें, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और मजे से भी खाएंगे। तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। आप यहाँ अपनी इच्छा अनुसार कोई भी सब्जी जैसे गाजर, बीन्स, मटर कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसे बहुत ही बढ़िया मजेदार टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच शेजवान सॉस। अगर आपके पास शेजवान सॉस ना हो तो आप पिज्जा सॉस, टमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, हरी चटनी कुछ भी डाल सकते हैं, पर शेजवान सॉस से इतना जबरदस्त टेस्ट आएगा कि आप खाते ही रह जाओगे। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि आज हम बहुत ही स्पाइसी और चटपटा नाश्ता बना रहे हैं। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप यहाँ अमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसके फ्लेवर को और भी इनहेंस करने के लिए यहाँ हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच तिल। और साथ ही इसमें एक बढ़िया क्रंच और टेस्ट के लिए हम यहाँ डालेंगे 1/4 कप पीनट पाउडर, जहाँ मैंने मूंगफली को तवे पर सेक करके ऐसा दरदरा पाउडर बना लिया है। और फ्रेशनेस के लिए यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें चावल का आटा या अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग में तो मदद करेगा ही, साथ ही इसे क्रिस्पी भी बनाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और इसके स्वाद और क्रंच का तो पूछिए मत। जब आप इसे एक बार बनाओगे ना, तो ये आपकी फैमिली का तो फेवरेट बन जाएगा। और ये देखिए, हमारी सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। यहाँ अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा गीला है तो घबराइए मत, आप इसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम या चावल का आटा डालकर इस मिक्सचर को परफेक्ट सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस मिक्सचर को रखते हैं थोड़ा साइड में और यहाँ हम लेंगे इस तरह की बर्फी वाली ट्रे। अगर आपके पास ट्रे ना हो तो आप थाली भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ तेल को चारों तरफ अच्छे से फैला करके ट्रे को चिकना कर लेंगे। और ये देखिए, हमने ट्रे अच्छे से ग्रीस कर लिए। अब हमने जो मिक्सचर बनाया था ना, वो पूरा इसके अंदर डालेंगे और इस तरह हाथों से दबाते हुए अच्छे से फैलाएंगे। या अगर आप थाली यूज कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह मिक्सचर को अच्छे से फैला दें।
और ये देखिए सारा मिक्सचर हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये ऑयल भी कम ऑब्जर्व करेगा और एकदम क्रिस्पी बनेगा। यहाँ आप चाहो तो इसे रात को भी सेट करके रख सकते हैं और सुबह मनचाही शेप में काट करके तेल में फ्राई कर ले और बच्चों के टिफिन या नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो जब तक ये सेट होता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। आप चाहे तो यहाँ कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा कुछ भी ले सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका पतला घोल यानी कि स्लरी बना लेंगे। ये स्टेप मैं अपने स्टिक्स को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और करारी बनाने के लिए कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमें इसे इतना पतला ही रखना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी मैदे वाली स्लरी एकदम तैयार है। और यहाँ हम लेंगे 1/2 कप ब्रेड क्रम। यहाँ मैंने 4 ब्रेड को तवे पे हल्का सा सेक लिया था और मिक्सी जार में डाल करके बारीक पाउडर बना लिया है। और इसे आप पहले से बना करके 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए 10 मिनट हो गए और ये देखिए हमारा मिक्सचर भी अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चाकू की सहायता से इसे कॉर्नर से लूज करेंगे, जिससे ये आसानी से निकल जाए। और इसे अब हम पलट करके हल्के हाथों से टेप करेंगे और धीरे धीरे इसको उठाएंगे। और ये देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम लेंगे एक चाकू और उसे इस तरह लंबा लंबा कट कर लेंगे, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ सूजी के बहुत ही मसाला चटपटा स्टिक्स, इसलिए मैं इस तरह लंबा लंबा काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे बर्फी या राउंड शेप में भी काट सकते हैं। और इस तरह कट करने के बाद इसे मैं बीच में से भी कट कर दूंगी। और ये देखिए हमारे स्टिक्स कितनी बढ़िया तैयार हुई है। और अब हम स्टिक्स को जो मैदे का घोल बनाया था ना, उसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट करेंगे। इसे आप यहाँ चाहे तो डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं, पर ऐसा करने से ये बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे। और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ सारे स्टिक्स तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमारे सारे स्टिक्स तैयार है। अब यहाँ हम लेंगे एक पैन और उसमें तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। यहाँ मैं स्टिक्स को शेलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो चलिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके हमारे स्टिक्स डालते जाएंगे। यहाँ यह ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और इसे अभी हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। जब ये नीचे से हल्के से सिक जाए तब हम इसे पलट करके दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। वाओ, ये बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी फ्राई हो गई है। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, दिखने में एकदम क्रिस्पी क्रंची लग रही है ना। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे और इसी तरीके से हम बाकी के स्टिक्स भी तैयार कर लेंगे। और ये देखिए हमारे स्टिक्स ने बिल्कुल भी तेल ऑब्जर्व नहीं किया है, कितनी बढ़िया लग रही है। और आवाज सुनकर तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कितनी क्रिस्पी और करारी बनी है। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा बहुत ही चटपटा क्रिस्पी मजेदार नाश्ता। तो देखा आपने कितने कम समय में हमारी बहुत ही टेस्टी सूजी स्टिक्स तैयार हो गई। और इसे आप टमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मेरी गारंटी है कि ये छोटे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार चटपटे सूजी के स्टिक्स कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार और चटपटी रेसिपीज के लिए आपके अपने चैनल बिंदियास किचन पर बने रहिए। थैंक यू।